और अब बात यूपी चुनाव की, जहां अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। आरएलडी के साथ अखिलेश ने अलायंस कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। संजय सिंह ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार MYJ समीकरण के जरिए कालिदास मार्ग तक पहुंचने की तैयारी में है। तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रति सतर्क रहना होगा। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का नया समीकरण है। ये बीजेपी विरोध में तैयार हो रहे नए गठबंधन का नया संस्करण है। अखिलेश यादव अब जयंत चौधरी के साथ है। अखिलेश यादव के साथ कृष्णा पटेल भी आ चुकी है। आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह भी समाजवादी छाते के नीचे चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। आज कुछ कॉमन एजेंडा पे ही बातचीत हुई है, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री का सवाल है, या बेरोजगारी का सवाल है, या किसानों का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है। इन मुद्दों पे बातचीत हुई है उनसे। इस कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है, जहाँ पर किसान त्राहि त्राहि कर रहा है, माताओं बहनों की सुरक्षा खतरे में है, तो इस पे एक सार्थक बातचीत और चर्चा हुई है। एक कॉमन एजेंडा के ऊपर बातचीत हुई है, और बाकी गठबंधन को लेकर जब अंतिम रूप से कोई निर्णय होगा तो जरूर बताएंगे। 22 में बाइसिकल से 5 कालिदास मार्ग तक पहुंचने के लिए बेकरार अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। महान दल के अलावा पूर्वांचल में राजभर और कृष्णा पटेल को साथ चुके हैं। पश्चिम में जयंत चौधरी के बहाने जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। तो आगे का सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ओबीसी के साथ भी गठबंधन करेंगे? क्या यूपी में यादव मुस्लिम और जाट का नया गठबंधन देखने को मिलेगा? हालांकि असदुद्दीन ओवैसी अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में यादवों की आबादी 8 से 9% तक है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19.26% है। यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% बताई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। किसान आंदोलन का असर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के बहाने अन्नदाताओं पर बड़ा दाव खेला है। अखिलेश यादव ने मृतक किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी का वोटर पर कुछ यूं असर दिखाई दे रहा है। मान के चले क्या कि जाट मुसलमान साथ साथ आ गए? साथ बिल्कुल एकदम नाड़े से नाड़ा बांध लिया जी। इस सरकार से तंग आ गए किसान, जंग भी आ गए, जंग पे इसलिए आ गए, जो छोटा किसान है उसकी सारी फसल या बछड़े हजार बिजार जो इन्होंने योगी ने और मोदी ने छुड़वा रखे। इनके साथ किसान नेता जुड़ गए, जयंत चौधरी अखिलेश जी के साथ। अच्छा। और पूरा किसान चौधरी चरण सिंह को आज अगर किसान है, हम ये कुर्ता पहना हुआ दिख रहा है आपको, तो किसान को यदि बनाया तो चौधरी चरण सिंह ने बनाया, और ये उनके वारिस हैं। इनको तो लोग जहां ये खड़े हो जाएंगे पीछे हजारों लोग। परिवर्तन हो रहा है। हाँ। तो ये लड़के चल गए, चलेंगे फिर, मैं दोबारा कह रहा हूँ दौड़ेंगे, तोड़ रहे हैं। और सरकार गठबंधन की आ रही है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। यही समर्थन अखिलेश और जयंत को नई उम्मीद दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी में जाटलैंड में बीजेपी का असर नहीं है। बड़ी तादाद में लोग अब भी हैं जो पूरी तरह से फूल छाप के साथ हैं, जिन्हें सिर्फ मोदी और योगी की जोड़ी से उम्मीद है। भाजपा को जिताएंगे, स्वागत तो विपक्ष का करेंगे, विपक्ष का। भाजपा ऐसा क्या कर दिया भाजपा? भाजपा ने सुरक्षा के मामले में सबसे अच्छा, हम लोग ट्यूबवेल पे पानी चलाने जाया करते, आज हम निर्भीक होकर रात को पानी चलाते हैं। माहौल तो जो चला रहा है पहले से वही चल रहा है, माहौल तो है पहले बीजेपी वाला। हाँ जी, अभी बीजेपी का माहौल चल रहा है। हाँ जी, बच्चे हम तो कमल का फूल भाई पता वैसे ही। सबसे पहला जो है यहाँ विकास के ऊपर जो है वोट दिया जाएगा, और जो है सुरक्षा के लिए, और जैसे यहाँ किसानों के लिए बिजली की सुविधाएं दी हैं, रात को हम पानी पे जाते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। 2013 से पहले पश्चिमी यूपी में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं रहा था, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट समुदाय को जोड़कर उसने अपनी सियासी जमीन मजबूत कर ली। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 20 सीटें सपा के खाते में आई थी।
कांग्रेस 2 सीटें और बसपा 3 सीटें जीती थी, वहीं 1 सीट आरएलडी ने जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव मायावती और चौधरी अजीत सिंह के साथ ऐसा ही समीकरण बनाकर उतरे थे, लेकिन अजीत सिंह और अखिलेश को कुछ खास फायदा नहीं मिला था। लेकिन इस बार यूपी फतेह के लिए अखिलेश सीक्रेट प्लान बनाकर मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ने भारतवर्ष। यूरोप कोरोना की 4 लहर झेल चुका है। वुहान से शुरू हुई मौतों का सिलसिला यूरोप में और प्रचंड हो गया। इटली, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के अस्पतालों से ऐसे ऐसे वीडियो सामने आते थे जिसे देखने के लिए काट का कलेजा चाहिए था। फ्लैशबैक में हम आपको इसलिए लेकर गए क्योंकि WHO की यूरोप ब्रांच ने आशंका जाहिर की है कि वायरस इस बार 7 लाख यूरोपियन लोगों को मार सकता है। इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी आफत कोरोना पूरी दुनिया में अब तक 51 लाख से ज्यादा लोगों को तड़पा कर मार चुकी है। कई जगह घर में मातम करने वाला भी नहीं बचा तो कहीं गली की गली शमशान बन गई। इंसान और इंसानियत के लिए काल बनकर आए एक अदृश्य दुश्मन ने दुनिया हिला दी। लेकिन WHO के यूरोप ऑफिस का मानना है कि अभी तो असली तबाही बाकी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में WHO का यूरोप ऑफिस है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने यूरोप के 53 देशों के लिए एक सन्न कर देने वाला हेल्थ अलर्ट जारी किया है। इसका मानना है कि सर्दियां बीतने के बाद वसंत तक कोरोना वायरस के चलते 7 लाख मौतें और हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोप में कोरोना के डेल्टा वेरियंट का असली हमला सर्दियों के बाद हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप के अस्पतालों में फिर से वही रूह कपा देने वाला मंजर दिख सकता है। अब बात हिंदुस्तान की। जयपुर में स्कूल खुलते ही कोरोना बम का विस्फोट हो गया है। यहाँ के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में बच्चों के 185 सैंपल में 12 पॉजिटिव पाए गए हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जयश्री पेड़ीवाल स्कूल है, 21 तारीख का मामला है। उस समय एक विधि शर्मा थी, उसका पॉजिटिव आई थी। विधि शर्मा वो 11th में पढ़ती थी। जैसे ही विधि शर्मा का पता लगे हम कि भाई स्कूल में पॉजिटिव आए, ठीक है, तो हम बिल्कुल सतर्क हो गए। और हम निरंतर क्या है कि सतर्क भी हैं, जागरूक भी हैं। हम नहीं चाहते कि भाई आने वाली जो तीसरी लहर आए और उसको किस प्रकार अपन रोका जाए। तो हम क्या है कि हमारी यहाँ टीम आई, क्या है कि उसकी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, क्योंकि कोरोना में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। राजस्थान के अलावा तेलंगाना में भी कोरोना का कहर बच्चों पर टूट रहा है। तेलंगाना के खम्मन जिले के एक सरकारी स्कूल में 28 स्टूडेंट कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मतलब साफ है, कोरोना अभी ना रुका है ना थमा है, वो हमारी लापरवाही से हम पर ही भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ने भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।